हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली थोड़ी लंबाई में है, लेकिन एक अच्छी स्क्वायरिश शेप यहाँ पर बनाती हुई जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी की और काफी हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को भी। और अगर हम की फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। जितनी ज्यादा ऐसी रेखाएं होती हैं उतनी अच्छी पर्सनैलिटी व्यक्ति की और उतना मिलनसार ऐसा व्यक्ति होता है। उसके साथ साथ इनकी फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की थिकनेस इनके बेस फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। और अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर दोनों की लंबाई लगभग एक समान है, जो यहाँ पर शो करती है कि काफी अच्छी क्रिएटिविटी इनके भीतर रहेगी और साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो। और अगर देखा जाए इनकी शनि फिंगर, इसमें भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर, एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इन्हें देती हुई, और अपनी इसी हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी ये पाएंगे। और मरकरी फिंगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, बहुत ज्यादा लो सेट भी नहीं है और थोड़ी सी पॉइंटेड आगे से हो रही है। इस तरह की मरकरी फिंगर व्यक्ति को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है, ऐसे व्यक्ति की बातों में दम होता है, ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो दूसरे लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मरकरी की ऐसी फिंगर व्यक्ति को देती है। ओवरऑल फिंगर्स काफी पॉजिटिव हैं। कुछ हल्के गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में मैं देख पा रहा हूँ, जिस वजह से एक इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को देखेंगे, इनकी रेखाओं को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं हो पा रहा, सभी माउंट्स को अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफी अच्छा लूप ऑफ सीरियसनेस यहाँ पर बन रहा है इनके सूर्य माउंट और शनि माउंट के बीच में। आपको दिखाना चाहूंगा लूप की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इस तरह की घुमावदार रेखाओं से जो यहाँ पर एक लूप बन रहा है, आपको भी यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ऐसी एनसर्कल्ड लाइंस, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा लूप ऑफ सीरियसनेस बनता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े गंभीर स्वभाव के हो सकते हैं। डेडिकेशन काफी ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर में, और ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित होता है, और यह चीज प्रोग्रेस के लिए तो काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन फैमिली लाइफ के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं इस तरह का लूप होने की वजह से। आगे आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स को, क्या क्या दर्शाते हैं इनके माउंट्स। जैसे आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है, मरकरी माउंट और एक उभरा हुआ माउंट, और यहाँ पर मरकरी माउंट की तरफ बढ़ने वाली दो रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की दो लाइंस जो मरकरी माउंट तक पहुंच रही है, एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन तो नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मरकरी लाइन का होना ही अपने आप में अच्छी बात है। जिन्हें हम बिजनेस लाइन भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की, कम्युनिकेशन करने की स्किल काफी अच्छी होती है, बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है जिनकी मरकरी फिंगर, मरकरी माउंट स्ट्रांग हो, मरकरी रेखा मौजूद हो। लेकिन जब मरकरी रेखा इस तरह से बीच में टूट रही हो तो यह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसे व्यक्ति को डाइजेशन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य माउंट को अगर देखा जाए तो एवरेज है सूर्य माउंट, बहुत कोई ज्यादा लंबी सूर्य रेखा मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ, यह एरिया थोड़ा सा दबता हुआ, और इस पर कुछ इस तरह की सूर्य रेखाएं मौजूद हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइंस नहीं है,
एक से ज्यादा तरह की कैपेबिलिटीज क्रिएटिविटीज व्यक्ति के भीतर रह सकती है, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है अपने करियर के चुनाव को लेकर, क्योंकि एक से ज्यादा तरफ इनकी जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्ट हो रही है। आगे आप देख सकते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर काफी उभरा हुआ है, एक अच्छा शनि माउंट है, शनि रेखा मौजूद है। बिशक शनि रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं, आपको दिखाना चाहूंगा इन सभी चीजों को। यह जो एरिया है शनि माउंट का उभरा हुआ है, जो एक अच्छी चीज है, यहाँ पर शनि रेखा मौजूद है। इस तरह की शनि रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज तक पैसा कमाता रहता है और काफी अच्छी इनकम जनरेट करता है। लेकिन अगर शनि रेखा कहीं से कट रही हो किसी भी एज में, तो व्यक्ति को दिक्कतें भी आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है वो यहां से शुरू हो रही है कुछ इस तरह से, और आगे यहां से कंटिन्यू हो रही है। इसको क्रॉस करने वाली रेखाएं आप देख सकते हैं, राहु लाइंस यह कहलाती हैं। 36 की एज के पहले कुछ दिक्कतों को शो कर रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना पड़ेगा। 40 की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रेखा जो लगभग 45 से 46 के आसपास की एज में फिर से थोड़ी सी दिक्कत इन्हें देती हुई। तो इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अदरवाइज शनि रेखा का मौजूद होना इनके लिए बेनिफिक रहेगा। आगे आप देख सकते हैं इनकी इनके माउंट यानी कि गुरु माउंट को। गुरु माउंट यहाँ पर एवरेज है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है। गुरु माउंट के ऊपर यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन मौजूद है, कुछ हल्की प्रोग्रेस लाइंस और भी साथ में चल रही हैं। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को काफी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी गुरु फिंगर नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग गुरु माउंट नहीं है, तो एवरेज लेवल का ही यहाँ पर गुरु माउंट को मैं कहना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर बुद्धाशाही बहुत स्ट्रांग बन रहा है इनके हाथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिन्ह बन रहा है बिल्कुल क्लियर एक बुद्धाशाही की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह का चिन्ह जिनके भी अंगूठे पर बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले से ही भांप लेता है, यानी कि दूरदृष्टि होती है ऐसे व्यक्ति की, और एक तरह से सिक्स सेंस होने की वजह से कुछ भी बुरा होने वाला है या कुछ भी अच्छा होने वाला है, इस तरह की चीजों का ज्ञान व्यक्ति को जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही शुभ चिन्ह है, इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी यह अट्रैक्ट करेगा। आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट, हार्ट लाइन में कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस जो नीचे की तरफ चल रही हैं, यह ज्यादा शुभ नहीं होती। इस तरह की ब्रांचेस होने से व्यक्ति को लाइफ में कई बार इमोशनल सेटबैक मिलते हैं, और अगर देखा जाए इनकी हार्ट की लाइन को कुछ इस तरह से, हार्ट की लाइन कंप्लीटली ऊपर की तरफ पहुंचती हुई, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ब्रांचेस और हार्ट की लाइन का इस तरह के कर्व में होना इंडिकेट करता है केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी को, और हार्ट की लाइन के अंत में आकर एक विष्णु चिन्ह का बनना, जैसे यह चिन्ह एक बन रहा है, यह काफी शुभ चिन्ह माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में खूब तरक्की करते हैं। लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें मैं एक चीज से हमेशा वार्न करता हूं कि कभी भी अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, यानी कि गलत तरीके से लाइफ में पैसा ना कमाएं। अगर ऐसा करेंगे तो लाइफ में नुकसान होगा और बेनिफिट्स होने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन काफी अच्छी है, अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। आगे आप देख सकते हैं माइंड लाइन को, माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, शार्प माइंड को शो कर रही है, और आप देख सकते हैं माइंड की लाइन को एक लंबी स्ट्रेस लाइन काटती हुई, वो भी लगभग 40 के आसपास की एज में। यहाँ पर स्ट्रेस मिल सकता है काफी बड़ा इनके इस तरह की रेखाएं, और आगे 50 के आसपास की एज में भी एक लाइन यहाँ पर क्रॉस करती हुई। यह रेखाएं जो स्ट्रेस लाइंस हैं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं अलग अलग एजेस में। जैसे अगर हम इनको लाइफ की लाइन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो यह इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पर आएगी एज 30+ की और यहाँ पर 40 के आसपास की एज। तो यह रेखा यहाँ पर 30+ की एज में लाइफ लाइन को प्रभावित कर रही है, और 40 के आसपास की एज में इनकी माइंड को। इसी तरह से यहाँ पर यह 40 के आसपास की एज में लाइफ लाइन में प्रॉब्लम दे रही है, और 50 के आसपास की एज में आगे चलकर माइंड को। और इसी तरह से यह रेखा जो ऊपर की तरफ चल रही है, यह भाग्य रेखा, इसको भी काट रही है। तो कुछ स्ट्रेस ऐसा जिसकी वजह से पैसे का नुकसान भी हो सकता है लाइफ में, और हेल्थ का भी, और मानसिक तनाव भी। तो इस तरह की स्ट्रेस लाइंस इस तरह के नेगेटिव प्रभाव देती हैं, जो यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लाइंस मुझे यहाँ पर इनकी हाथ में नजर आ रही हैं।
उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस और हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। ऐसी स्ट्रेस लाइंस तो नॉर्मल हर किसी के हाथ में होती हैं जो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो देती हैं। अदरवाइज अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ को देखें, काफी लंबी एज रहेगी, 80+ की एज रहने के चांसेस हैं। और यहाँ पर इस तरह का फिश का चिन्ह बनता हुआ, यह चिन्ह जब भी बनता है किसी के हाथ में, यह इंडिकेट करता है फॉरेन ट्रेवल्स को, सडन वेल्थ गेन्स को। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं और यह चिन्ह व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है वो भी दिलवा सकता है। और इस तरह का चिन्ह होने से कई बार व्यक्ति को इंश्योरेंस का पैसा भी मिलता है। किसी अपने के जाने के बाद जब व्यक्ति को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, उसको भी इसी तरह के चिन्ह से देखा जाता है। यानी इसी वजह से इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है, यानी किसी का नुकसान होने के बाद किसी को फायदा होना, इस तरह के चिन्ह व्यक्ति को देते हैं। तो यह चिन्ह यहाँ पर मौजूद है, 80+ की लाइफ इनकी रहेगी। और अगर शुक्र माउंट को देखा जाए, शुक्र माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएं मौजूद हैं जो थोड़ी वरी से नहीं देंगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली लाइंस नहीं है। ओवरऑल शुक्र माउंट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। चंद्र एरिया अगर देखा जाए तो चंद्र एरिया के ऊपर भी ज्यादा नेगेटिव चिन्ह नहीं है, कुछ ऐसी एंग्जाइटी की लाइंस मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ पर तनाव वाली बात नहीं है क्योंकि इनकी माइंड की लाइन सीधी है और चंद्र एरिया के ऊपर थोड़ी ही स्ट्रेस लाइंस हैं। लेकिन यह जो रेखाएं काट रही हैं, यह कुछ समय के लिए स्ट्रेस इन्हें दे सकती हैं मिडल एज में चलकर। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।